दोस्तों आज का वीडियो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। और फॉल्ट भी है हमारे पास ठीक करने के लिए इस बोर्ड में। ये बोर्ड है हमारे पास T.R83.816 जो कि मॉडर्न कंपनी के टीवी के अंदर लगा हुआ है। वो टीवी है हमारे पास अभी और इसमें फॉल्ट क्या है हम पहले देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर मैंने अभी चालू किया तो इंडिकेटर लाइट की पोजीशन है रेड, ठीक है। और हमें क्या क्या देखना है अभी इस समय पे, मैं पहले क्या करूँगा स्विच से ऑन करके देख लूँगा पहले। देखो इससे ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो रिमोट से भी ऑन नहीं होगा। इसकी तीसरी पिन और ग्राउंड पिन को टच करूँगा। इसकी जो लास्ट से तीसरी, अगर जो 5 वोल्ट से आप देख रहे हैं तो लास्ट से थर्ड, 5 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ से तीसरी पिन और ग्राउंड पिन को मैं आपस में टच करूंगा, लेकिन अभी ऑन नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि इंडिकेटर लाइट बार बार ब्लिंक कर रहा है, तो ये ब्लिंक भी हो रही है तो इस समय वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है वो आपको नजर आएगा। वो कहां पर नजर आएगा, देखो स्टैंड बाई कंपोनेंट है, स्टैंड बाई लाइट फ्लिकर कर रही है। ये क्या बता रहा है कि या तो आपकी स्टैंड बाई लाइन से कोई तकलीफ है। स्टैंड बाई लाइन कौन सी होती है, 1.2 और 3.3। तो हम देख लेते हैं पहले 3.3 और 1.2 दोनों को ही, ठीक है। तो 3.3 देखो इस रेगुलेटर से बन रहा है, ठीक है। इस रेगुलेटर है 1833 जिसमें 1.8 और 3.3 दोनों ही बनते हैं। तो मेरे को चौथी पिन पे ये एक नंबर देखो यहाँ पर एरो है 1 2 3 4, इस पे 5 वोल्ट देखना है और उस पे नज़र रखनी है। वो जब ब्लिंक हो रहा है उस समय ये भी ब्लिंक होता है, मतलब वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है। यहाँ पर 5 वोल्ट ठीक है। अब 3.3 देख लेते हैं, 3.3 को भी मॉनिटर करना है। इस समय तक देखो ये ब्लिंक हुआ लेकिन यहाँ पर कोई इसकी इफेक्ट नज़र नहीं आई, ओके। अब देखो स्टैंड बाई वोल्टेज और एक कौन सा है, 1.2 वोल्ट जो प्रोसेसर में जाते हैं। अभी 3.3 तो यहाँ से बन गए प्रोसेसर में चले गए, ओके। 1.2 भी बन रहे हैं और आपको मॉनिटर करना है 1.2 को भी। ब्लिंक होता है तब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है या ज़्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है यहाँ पर आपको नोटिस करना है जब LED ब्लिंक होती है। जब ब्लिंक हुआ उस समय पे 1.2 कॉन्स्टेंटली बन रहे थे, ठीक है। फ्लैश IC की पिन नंबर 1 पे मैं चेक करूँगा। 3.3 जब ब्लिंक होता है उस समय 3.3 वोल्ट का क्या हाल है, देखो ये हिला ना, फिर से हम देखेंगे। कांस्टेंट 3.3 पे नजर रखो, 2.7 होके 3.3 हुआ। जिस समय पे ये ब्लिंक होता है उस समय पे ये 2.7 तक जाके वापस 3.3 होता है, ठीक है। तो गड़बड़ी कहां पे हुई, कहां पे हुई, फ्लैश IC में। फ्लैश IC के डेटा के साथ कुछ है जो कि चालू तो है लेकिन कुछ दिक्कत है। ऐसी दिक्कतें कब कब होती है, देखो एक बार तो दिक्कत तब होती है जब इसमें जो डेटा होता है ओके है लेकिन IC में ये रॉन्गली फिटेड है। ऐसा प्रॉब्लम तब होगा जब डेटा ओके है लेकिन उसमें फिटेड गलत तरीके से, दूसरा कुछ डेटा है ही नहीं उसके अंदर, दो चीजें, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रखनी है जब भी आपको इंडिकेटर लाइट इस तरह से ब्लिंक करता हुआ नजर आए, ओके। ये देखो अभी ब्लिंक हुआ था वापस 2.7 होकर 3.3 हुआ। अब देखो दो तरीके से डेटा लिया जा सकता है इस बोर्ड में, या तो आप ऑटो ISP के थ्रू, मतलब इसके थ्रू कनेक्ट करके ले, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इसके साथ प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करके बोर्ड को, और दूसरा तरीका है IC को उठाकर प्रोग्रामर पर लगाकर, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं और दूसरा तरीका है क्या, प्रोग्रामर पे डायरेक्टली बोर्ड को कनेक्ट करके। तो हम कौन सा तरीका ले, देखो एक तरीका है फास्ट, इस IC में डेटा डायरेक्टली लेने का जो तरीका है वो फास्ट है, ओके। लेकिन अगर जो आप इस प्रोग्रामर के थ्रू डायरेक्टली बोर्ड को कनेक्ट करके अगर जो करते हैं तो ये थोड़ा स्लो है, तो आप बोलेंगे वो प्रोसेस मैं करूंगा।
आईसी उठानी है, आईसी उठा के करो। ठीक है, मैं आईसी उठा के इसकी प्रोग्राम लेता हूँ। इस समय पे मैं बोर्ड को ऑफ कर देता हूँ। इंडिकेटर लाइट को बंद होने का इंतजार करना है, बाद में ही एसएमडी गन चलानी। ठीक है, आराम से आईसी निकल सकती है। ओके, घुमाना है बहुत ही अच्छे से हीटेड एसएमडी गन से, पूरी तरह से हीट आने के बाद ही उठाना है इसको। ठीक है, ये आराम से निकल जाएगी। और ये आईसी हमने प्रोग्रामर पे लगानी है डायरेक्टली वाया एडेप्टर। इस आईसी को किस तरह से फिट करते हैं पहले देख लो। इसे हमने आईसी को इस तरह से फिट कर लेना है। ओके, ये हो गया फिट। ठीक है, प्रोग्रामर पे यहाँ पर इस तरह से लग जाएगा ये। अब देखो, ये जो नीचे के जो चार है ना आईसी का मार्क दिया हुआ है, और ये बड़ी आईसी के लिए पूरा। ठीक है, 16 पिन की भी आती है और 8 पिन की। 8 पिन वाली लगा रहे तो नीचे की। ठीक है, आपने फिर हैंडल को बंद कर देना। नीचे के 8 में लगाया मैंने, ऊपर के 8 में नहीं। ओके, सो फ्रेंड्स, हम जल्दी से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। RT809F प्रोग्राम मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये RT809F पर मैंने ये आईसी फिट कर रखी है। और ऑफलाइन प्रोग्रामिंग बोलते हैं इस मोड की प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डबल क्लिक करके इस प्रोग्रामर की मेन पेज को ओपन करेंगे। अभी हम करेंगे ये स्मार्ट आइडेंटिफाई। ओके, इस तरह से जब प्रोग्रामिंग करते हैं आप तो स्मार्ट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये आईसी सिलेक्ट हो गई जिसमें लिखा हुआ है BY25Q32B। इसमें 25 एक सीरीज है और 32 इसकी मेमोरी कैपेसिटी है। ठीक है, 25 सीरीज आईसी फ्लैश आईसी की निशानी है। ठीक है, और 4 मेगाबाइट्स या 32 मेगाबिट्स बोल सकते हैं, या 4 मेगाबाइट्स। ठीक है, तो 32 मेगाबिट्स है। अभी इसमें करना ये है, आपको पहले रीड करना है। ठीक है, इसके अंदर डेटा क्या है। ओके, तो हम रीड कर लेते हैं। मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। अभी एक टेम्पररी फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, यह फोल्डर हमारा बना हुआ ही है, ये 32 LB वाला जो है LG का, उसमें मैं मॉडर्न लिख देता हूँ। ठीक है, इस टीवी के नाम से ही अभी सेव कर रहा हूँ, ये टेम्पररी स्टोरेज है मेरी। ठीक है, ये मैंने फाइल सेव कर ली, अब इसकी बफर मैं चेक करूँगा। ओके, अब देखो बफर में ये जो फर्स्ट एंट्रीज होती है ना, वो इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एंट्रीज है वो एफ 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 एफ। ठीक है, और उसके बाद डेटा है, लेकिन ऊपर कुछ डेटा है, उसके बाद और 50 में यहाँ जाके डेटा स्टार्ट हुए, यहाँ से डेटा है। ओके, लेकिन इतने डेटा इसमें गायब है। तो इस सेम डेटा को तो हम राइट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर डेटा नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा, हमें दूसरे डेटा डालने पड़ेंगे। ये रीड किए हुए डेटा से टीवी चालू होने वाला नहीं है। और हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए एक चीज़ है, अभी जैसे बफर में मेरे पास ये एंट्री है, मैं ये सेव कर लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ इसकी एक वैल्यू। ओके, अब मैं दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ टूल चेन से। ठीक है, एक्सा एडिटर के थ्रू। ठीक है, अब मेरे पास ठीक है, इसकी फाइल मेरे पास ऑलरेडी जो पड़ी है, ये फाइल मैं यहाँ पर डाल दूंगा। कहाँ पर, इस जगह पर। ओके, इसे मैं ऐड कर देता हूँ, ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये डेटा जो दिख रहे हैं आपको 00 के बाद, ये यहाँ पर जो डेटा दिख रहे हैं, मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था FF है ना, 00100 से लेकर 0050 तक एम्प्टी है। ठीक है, मतलब 010 से लेकर 50 तक एम्प्टी है। अब हम इसकी बफर रीडिंग देख लेते हैं। रिटर्न टू मेन मेनू, बफर, इसकी बफर क्या बता रहा है, एम्प्टी है। अब मेरे पास एक्सा एडिटर में मैंने जो फाइल रखी हुई है, 10 से लेके 50 तक डेटा दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पर
C1, 29, C6D, FF तो नहीं नजर आ रहा है ना, तो ये डेटा ओके है और वो डेटा करप्ट है। ओके तो अभी क्या करना होगा, हमें न्यू डेटा राइट करने हैं, ठीक है, तो ओपन करना है और उस जगह जाना है इसके अंदर, ये बोर्ड मैंने रखा हुआ है ताकि कभी भी फ्यूचर में मेरे पास आए बोर्ड तो ये देखकर मैं कंपेयर कर पाऊँ कि सेम बोर्ड है या नहीं है। और ये डेटा लेना है आपको जिसमें क्या लिखा होगा, देखो इसमें लिखा हुआ है साइज 4 MB और ये टाइप है बिन फाइल, ठीक है, ये है बिन फाइल, बिन फाइल ही चलेगी इसके अंदर, ठीक है, आपको फाइल देख लेना है कौन सी फाइल है और उसकी साइज होनी चाहिए एटलीस्ट 2 MB और मोर देन 2 MB, तभी वो फ्लैश फाइल्स हैं। आपको ओपन करना है इसे और फिर राइट कर देना है, तो ये मैं राइट कर रहा हूँ, ये फास्ट राइटिंग होती है इसलिए हम ऑफलाइन प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, ठीक है, आ गए हैं सब डेटा जो पहले खाली था अब भरा हुआ है। राइट करने के बाद आपको बफर में वो रीडिंग दिखेगी जो आपने राइट की है, ठीक है, तो अब रीडिंग पूरी है, हमने पूरा डेटा जो है इसमें डाल दिया, ठीक है, इस आईसी को पूरी तरह से हमने ओके कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस आईसी को प्रोग्रामर से निकाल कर बोर्ड पर लगाएंगे और चेक करेंगे। ठीक है, हमने पावर दे दिया, अब पावर ऑन कर दिया है, हमने अभी आईसी जो निकाली थी वो अच्छे से फिट कर दी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बोर्ड को ठंडा करने के बाद हम चालू कर रहे हैं, देखो या तो आप रिमोट से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप हमेशा एक आदत बनाओ कि बोर्ड को अच्छे से चेक ही कर लो इस तरह से कि बोर्ड ऑन है या ऑफ है, ठीक है, इस तरह से यह ऑन हो गया, ओके बोर्ड ऑन हो गया, 12 वोल्ट चेक करना है आपको, आउटपुट के पैनल में जाने वाले 12 वोल्ट बनते हैं या नहीं, तो 12 वोल्ट आ गए हैं, तब हम मदरबोर्ड टेस्टर पे चेक करेंगे। अगर जो 12 वोल्ट नहीं आते हैं, अगर जो इन केस अगर जो 12 वोल्ट नहीं आते हैं तो हमें मॉस्फेट देखना है, वो ये वाला है जो 12 वोल्ट पैनल में पहुँचा रहा है, ठीक है, इस पिन से, ओके हमें क्या चेक करना है, अगर जो 12 वोल्ट यहाँ नहीं आ रहा है इन दैट केस आपको यहाँ चेक करना है यहाँ 0 है या 12 है गेट पर, जो कि कंट्रोल पिन है, ठीक है, कंट्रोल पिन पर क्या वोल्टेज आ रहा है वो देखना है आपको कंट्रोल पिन पे। तो देखो यहाँ 0 वोल्ट है, मतलब मिली वोल्ट में बता रहा है, इस तरह के जो RMS वैल्यू वाले होते हैं ना, ट्रू RMS वैल्यू, वो वाले मीटर इसमें मिली वोल्ट में वोल्टेज बताएंगे, है ना, मतलब 0 वोल्ट ही है, 0 वोल्ट होने पर ही आउटपुट बनेगा, ठीक है, अगर जो यहाँ 12 वोल्ट आ रहे होते गेट पर तो यहाँ पर आउटपुट नहीं आता, जैसे कि इस MOSFET के साथ भी ऐसा ही है, 5 वोल्ट इसलिए यहाँ बन रहे हैं बिकॉज यहाँ 0 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर 5 वोल्ट है, ओके 5 वोल्ट तो यहाँ हमेशा रहेंगे, लेकिन यहाँ जब 0 बनेंगे जैसे कि अभी है तभी 5 वोल्ट आउटपुट आएंगे, जो इस आईसी की पिन नंबर कौन सी में जाएगा, 5, पिन नंबर 2, 2 तो सर इधर से हुई ना, हाँ तो ये देखो ये एरो पिन है, एरो 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, ये दो नंबर मेरे को यहाँ 5 वोल्ट आएंगे और ये स्टैंड बाई 5 वोल्ट 4 नंबर पे, ठीक है, तो 5 वोल्ट आने के बाद 1.8 वोल्ट यहाँ पर से निकलेंगे, जो रैम सप्लाई है प्रोसेसर की जो कि स्विच होने के बाद आते हैं, ये दोनों एक मॉस्फेट और एक ट्रांजिस्टर की जुगलबंदी से, और पैनल पे 12 वोल्ट आते हैं ये दोनों ट्रांजिस्टर की जुगलबंदी से, ठीक है, अब देखो इसके बेस पर क्या है, 0.6 वोल्ट होना चाहिए, NPN ट्रांजिस्टर है तो 0.6 वोल्ट है या नहीं देख लेते हैं हम, 0.7 वोल्ट, ओके तभी ये कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो हो रहा है, और जो 5 वोल्ट यहाँ होते थे यहाँ पर बंद रहने पर, अब क्योंकि 5 वोल्ट ग्राउंड हो रहे हैं अभी इस समय पे,
क्योंकि 0.6 वोल्ट बेस पर है तो यहाँ 0 वोल्ट रहेगा। यही 0 वोल्ट इसके गेट पर पहुँचता है और इसको ऑन करता है, ठीक है। वैसा ही इसका ये ट्रांजिस्टर है, इसके ऊपर भी 0.6 वोल्ट है, इसलिए कलेक्टर पर 0 वोल्ट है। ये कलेक्टर डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है गेट पिन के साथ और आउटपुट 12 वोल्ट दे रहा है। अभी देखो मेरा ब्लॉक तो नहीं हो रहा है ना हाथ कैमरा में, ना ना ना। ओके, तो आपको ये चेक करना है 12 वोल्ट आ गए। अब हम देख लेते हैं डिस्प्ले बनी है नहीं। अगर जो अभी डिस्प्ले नहीं बनती है तो वो पैनल साइड में देखना है आपको वोल्टेज। ओके, अभी देखो बोर्ड तो ऑन हो चुका है वो देखने के लिए पूरी तरह से कि इसको लगाने के बाद क्या आपकी डिस्प्ले चालू होगी या नहीं, वो देखने के लिए हमने ये मदरबोर्ड टेस्टर लगाया जिसका नाम है TV160। ठीक है, ये मदरबोर्ड टेस्टर इतना इजी है इसके साथ काम करना कि इतने से एरिया में आपका सब कुछ आ जाए, बोर्ड भी आ गया पैनल भी आ गया, ठीक है, तो इजी हो जाता है रिपेयरिंग। ओके, अब हम देख लेते हैं इसमें ये बोर्ड ऑन करने के बाद डिस्प्ले दे रहा है या नहीं। 12 वोल्ट तो हमने चेक कर लिया आ गए, ठीक है, अभी हमको देखना है ऑन होता है या नहीं। तो मैं ऑन करने के लिए यहाँ पर ये रिमोट का यूज़ कर लेता हूँ अब आपको दिखाने के लिए कि इसमें जो रिमोट है वो ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मॉडर्न लिखा हुआ आ गया,